Hello guys, welcome back to another daily MPPSC MCQ video on my channel. My name is Aditya Dubey. This is the part 3 of daily MPPSC MCQ. यदि आप इस चैनल में नए हैं और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखिए. सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ कल्पसूत्र, मींस कल्पसूत्र का इनमें से कौन लेखक है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विच इज भद्रबाहु. भद्रबाहु इज द ऑथर ऑफ कल्पसूत्र. अब कल्पसूत्र के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगा. कल्पसूत्र एक जैन टेक्स्ट है जो कंटेन करता है बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकर्स. ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए. अब इसके बाद हम दूसरे दो ऑप्शंस भी देख लेते हैं. पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है. इसके अलावा अगर पतंजलि की बात की जाए तो उन्होंने लिखी है महाभाष्य. याद रखिएगा, पतंजलि महाभाष्य, पाणिनि अष्टाध्यायी और भद्रबाहु कल्पसूत्र. ओके, अगला क्वेश्चन है कि हु हेड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरपर्सन, मतलब नीति आयोग के चेयरमैन इनमें से कौन होता है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विच इज प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो डी फैक्टो चेयरमैन होता है नीति आयोग का. ओके, अब नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए. नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसका गठन कब हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है. तो इसकी फॉर्मेशन डेट है 1st of January 2015. और अगर आपसे नीति आयोग के करंट सीईओ अगर पूछा जाए, मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, तो वो है मिस्टर अमिताभ कांत. ओके, अब अगर बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो अभी करेंटली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अपने इंडिया के, वो है मिस्टर अरुण जेटली. प्रेसिडेंट इज मिस्टर रामनाथ कोविंद. और अगर अटॉर्नी जनरल जी की बात की जाए तो वो है मिस्टर के वेणुगोपाल. अब अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आपसे एक और फैक्ट पूछा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत बताया गया है. तो वो बताया गया है आर्टिकल 76. और करेंटली जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो मिस्टर के वेणुगोपाल हैं. इनका नंबर है 15th, मतलब 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं ये भारत के. अगला क्वेश्चन है कि अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड में. तो अर्थ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 22nd ऑफ अप्रैल एवरी ईयर. याद रखिएगा, अप्रैल 22 को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है. अब आप जनरली कंफ्यूज होते होंगे अर्थ डे और वाटर डे में. तो वर्ल्ड वाटर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है मार्च में. आप याद रखने के लिए याद कर सकते हैं कि मार्च में ए आता है और वाटर के सेकेंड लेटर में भी ए आता है. तो मार्च 22nd इज द वाटर डे, वाइल अप्रैल 22 इज द अर्थ डे. अब अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, जो है जुलाई 11 जो आने वाला है, तो वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 11th ऑफ जुलाई. अब लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, सितंबर 27 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे. वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 27th ऑफ सितंबर. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास इनमें से किस राज्य से होती है, मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात की जाए तो हमारे भारतीय राज्य में 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है. तो ये राज्य कौन से हैं आपको ये मालूम होना चाहिए. पहले इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विच इज राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मिजोरम. याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन अगर अपनाएंगे तो और ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि यूपी से पास नहीं होती है, महाराष्ट्र से पास नहीं होती, कर्नाटक से पास नहीं होती है. सो ऑप्शन ए बाय डिफॉल्ट बिकम्स द करेक्ट आंसर. अब हम मैप देख लेते हैं ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास होती है. तो ये आपको मालूम होना चाहिए. तो आप ये मैप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है. ओके, सो ये है गुजरात, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है गुजरात से. सेकेंड होती है राजस्थान से. थर्ड होती है मध्य प्रदेश से. फोर्थ स्टेट इज द छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, देन आता है वेस्ट बंगाल, देन आता है त्रिपुरा, देन आता है मिजोरम. सो मिजोरम इज द 8th स्टेट. ओके, सो ये आपसे एग्जाम में ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट भी जमाने के लिए पूछा जा सकता है. तो आप ऐसा बता सकते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो फर्स्ट स्टेट इज गुजरात, सेकेंड इज राजस्थान, थर्ड इज मध्य प्रदेश, फोर्थ इज छत्तीसगढ़, फिफ्थ इज झारखंड, सिक्स्थ इज वेस्ट बंगाल, सेवन्थ इज त्रिपुरा एंड लास्ट वन दैट इज 8th वन इज मिजोरम. ओके, तो ये मालूम होना चाहिए आपको. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नील दर्पण जो कि दीनबंधु जी के दीनबंधु मित्र की जो लिखा गया है
वो क्या पोर्ट्रे करता है इनमें से। तो दीन बंधु जी के द्वारा लिखा जो गया है नील दर्पण, वो डिपिक्ट करता है इंडिगो प्लांटर्स के बारे में। ओके, इंडिगो प्लांटर्स के बारे में। अब दीन बंधु मित्र जी के द्वारा लिखा गया नील दर्पण के बारे में आपको एक और फैक्ट पता होना चाहिए कि ये पब्लिश कब किया गया। तो ये पब्लिश किया गया था ढाका से। ओके, ढाका मीन्स करेंट बांग्लादेश, और 1860 में इसको पब्लिश किया गया था, 1860 में। तो ये आपको दो फैक्ट मालूम होना चाहिए कि नील दर्पण के ऑथर कौन है। वो हैं दीन बंधु मित्र जी, जो पोर्ट्रे करता है इंडिगो प्लांटर्स की सिचुएशन को। ये कहाँ पे पब्लिश किया गया था? ये पब्लिश किया गया था ढाका में, मीन्स बांग्लादेश में। कब पब्लिश किया गया था? तो ये था 1860 में। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने देखे। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप PDF अपडेट या किसी और अपडेट से रिगार्डिंग, मेरे चैनल के रिगार्डिंग जुड़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक है t.me/AdityaDubeyMPBSC। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक की लिंक है facebook.com/AdityaDubeyMPBSC। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक।